तो दोस्तों हम बात करेंगे हर्ष बेनीवाल वर्सेस अजय खान के कॉन्ट्रोवर्स के बारे में। भाई ये कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी बड़ी चल रही है, जिसमें हर्ष बेनीवाल के साइड से हमें ऑफिशियली कोई रिप्लाई नहीं मिला अभी तक। हर्ष के दोस्त पवन चच्ची ने अपना रिप्लाई जरूर दिया है, जिसमें उन्होंने अजय खान को काफी स्ट्रिक्टली जवाब दिया है। इन्होंने क्या कुछ कहा आप ही देख लो। राम राम जी। राम राम भाई। तो पहले तो भाई ये वीडियो देखो आजाद खान की। सुन ली भाई, ये वो इंसान है जो सेलिब्रिटी है, ठीक है, खुद के बच्चे हैं, खुद की भी बहन है, खुद की फैमिली है, दूसरी फैमिली के लिए बोल रहा है, इतनी तमीज है इसे बात करने की। और जो इसे फॉलो कर रहे हैं भाई, उनसे बोल रहा हूँ मैं, अब हम वीडियो बना रहे थे, हिंदू मुसलमान मत कर दीजिए बात पे, क्योंकि भाई हिंदू मुसलमान होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यू इंडिया है, या मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर। अगर तुम असली मुसलमान हो ना, या अनफॉलो कर दो, या अनफॉलो कर, क्योंकि बहन बेटी सबकी होती है, ना तो कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबकी बहन बेटी, सबके रिश्ते हैं अपने अपने। किसी के बारे में तुम अगर गलत माँ बहन की गाली दोगे तो भाई कोई खड़ा नहीं रहेगा। भाई एक बार एक काम करना, अपने ऊपर फील कर देखना कि तुमको कोई गाली देगा तुम्हें कैसे लगेगी। भाई कोई बर्दाश्त ना कर, तो कोई भी इतनी गंदी गंदी बोल रहा है, बिल्कुल हो या बहन, किसी बहन के बारे में सुन, हम तो यूं कह रहे हैं हम सामने सामने बैठ के मैसेज पर ना फोन पर ना वीडियो पे सामने बैठ के हमें दे दीजिए, बिल्कुल नौ दो कर दे, दो कर देंगे, दो मैसेज फोन में कति मत कर दीजिए। सुन, सबकी बहन बेटी हम अपनी माने, सबकी, किसी की भी हो, मुसलमान की हो, हिंदी हो, किसी की भी, ना तो हम काहे देते ना सुनते किसी बहन जाके बाहर जाके गया एक बार। अगर हम अजय खान की बात कर रहे हैं, चलो राजू फिटनेस के साथ चल रहे हैं, उनके कॉन्ट्रोवर्सी पे नजर डालते हैं। अब सबको पता होगा इन दोनों के बीच कॉन्ट्रोवर्सी काफी महीनों से चल रही है। अभी रिसेंटली जब राजू फिटनेस मुंबई गए थे अजय खान से मिलने, तो फिर भी अजय ने उनसे मुलाकात नहीं हुई। लोगों ने काफी कुछ बोला, भाई तुम डर गए अजय से इसलिए नहीं मिले। भाई तुम, बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि राजू तो 2 मिनट के लिए मुंबई गया था और भाग गया, लेकिन राजू ने सबके जवाब में अपने इंस्टाग्राम पे कहा 2 मिनट नहीं 2 दिन के लिए आ रहा हूँ। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम लोकेशन भी स्टोरी में शेयर किया। और हाँ, 21 सितंबर मुंबई एक अवार्ड फंक्शन के लिए जा रही है। राजू ने अपना एड्रेस भी पहले ही शेयर कर दिया, मतलब अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखते हैं क्या अजय खान और राजू के बीच कुछ और लफड़ा होता है या नहीं। और हाँ, राजू और उनके दोस्त ने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली है, जिसमें उन्होंने कहा, और भाई एक दो जो ये चिलांडू मैसेज कर रहे हैं या कॉमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम मुंबई गए, तुमसे उम्मीद ना थी, ये वो, भाई जिंदगी में कभी पंगा करना और दूसरे स्टेट में जब तुम्हें पता हो तुम्हारा इंतजार हो रहा है पांव रख के दिखाना, तब मानूंगा। ये ना फटके से आत्मा जाती है कमेंट में और मैसेजों में, कोई भी मुंह चला दे। कल भी गया हूँ, आगे भी जाऊंगा, बता के जाऊंगा, नंबर मेरे पास आ गया है, इस बार DM करके सीधे WhatsApp करके कि भाई इतने बजे उतरूंगा, इतने बजे आऊंगा, इतने बजे मिलूंगा, बता कहाँ है, ठीक है, दिखा दूंगा। अबे भाई जो साथ में बंदे होते हैं ना, उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। दूसरी चीज, दूसरा स्टेट, 1 सेकंड लगे कंप्लेंट होने में कि यूपी हरियाणा से आके मुंबई में बदमाशी दिखा रहे हैं, और साथ में बंदा कौन, ओकेंदर राणा फ्रॉम हरियाणा, गूगल पे सर्च करके देखना एक बार ओकेंदर राणा के ऊपर कितने केसेस हैं, 650 केसेस तो पेंडिंग है, अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। जिस आदमी के ऊपर इतने केस हैं दूसरे स्टेट में, वो आपके साथ गया हुआ है, इन केस कोई भी बात होती है पुलिस आ जाती है, पकड़े जाते हो तो कम से कम कौन सी वो लगती है, मकोका, मकोका एक्ट लग जाता है, गैंगस्टर एक्ट लग जाता है। भाई तुम्हारा वो कितना भी क्लियर है, लेकिन साथ में कोई भी भाई हमारे ऐसा है जिसके ऊपर इतने केसेस हैं, तो भाई 4-5 साल के लिए सीधे सीधे पैक हो जाते हैं। और मुझे सीधा सीधा एक डिफरेंस पता है बहादुरी में और बेवकूफ़ी में, थोड़ी सी एक 3 लाइन का डिफरेंस होता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। तो भाई प्रशासन भी नहीं छेड़ना, कानून भी हाथ में नहीं लेना, पुलिस से भी पंगा नहीं लेना, क्योंकि सबसे बड़ा डॉन कोई है ना, वो पुलिस है, ठीक। और ये कीड़े मकोड़े कुछ नहीं है भाई, इन्हें तो कभी भी बुला लो, कभी भी रगड़ दो, कभी भी तोड़ दो, कभी भी 1-on-1 कर लो भाई, हमेशा तैयार हो, हमेशा, ठीक है। तो भाई, और भाई जिन्होंने मैसेज कमेंट करे ना, तुम्हें माँ कसम लगेगी तुम्हारी, अगली बार जब जाऊँगा ना तो तुम्हें बता के जाऊँगा, चलना मेरे साथ, जब देखूंगा मैं तुम कितने बड़े दलैड़ हो, तुम कितनी बेइज्जती ना करवाते हो, तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी ताकत है। ताकत होने के साथ साथ बुद्धि भी होनी बहुत जरूरी है, वरना भाई अच्छे अच्छे मैंने पिटते देखे हैं, कभी जाके पैर रख के देखना, जितना हमने कर दिया उतना ही करके दिखा देना कोई, ठीक है। और इसको भी कह रहा हूँ भाई, तू आके दिखा दे 2 मिनट की वीडियो, हमारी हमारी लोकेशन पर बना के दिखा दियो, मैक्स तेरी लोकेशन दे देंगे अखाड़े की, अगर मेरे अखाड़े की लोकेशन दे दो
ठीक है। तो भाई हमारी लोकेशन पे आके 2 मिनट की वीडियो ही बना लियो जा।